हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चलते हैं, श्रीनगर से कारगिल तक का सफ़र तय करेंगे अपनी बाइक पे। धन्नो हमारी फुल रेडी है। थोड़ा सा बाइक में हमें लुब्रिकेशन करवाना है, वो सामान लेंगे। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, आगे प्रवीण भाई जा रहे हैं। स्काई एकदम क्लियर है, मौसम एकदम बढ़िया है, गर्मी है नहीं, तो आज हम मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे बहुत अच्छे से। यार ये है श्रीनगर की मेन मार्केट। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा सोनमर्ग वाली रोड को पकड़ेंगे। मार्केट एकदम खुल चुकी है, बाजार धीरे धीरे खुल रहे हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये रहा साइन बोर्ड, देखते हैं और हम जल्दी से निकलते हैं। यार पहले पेट्रोल पंप पे चलते हैं, हवा भरवाते हैं, तेल भरवाते हैं। 102 है यहाँ पे, है दबा के रखो। हवा कैमरा ऑन है कि बंद है? अभी बंद अभी बंद है। है कैमरा में ले लो उसको। तो यार हवा भरवा ली, पेट्रोल भरवा लिया, टैंक फुल करवा लिया है। इस टैंक में मतलब मेरी गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल था, रिजर्व लगी नहीं थी, तो मैंने इसकी फ्यूल टी चेंज करवाई हुई है, बजाज की लगवा रखी है। तो वो उसमें रिजर्व ना लंबा होता है, तो मतलब रिजर्व में भी मेरी गाड़ी 130-140 निकाल देती है आराम से। और मेरी गाड़ी में अभी तक रिजर्व लगा नहीं था, तो मैंने अभी 726 का तेल डलवाया है, लगभग लगभग 7 लीटर के आसपास आया है। तो लेह तक तो पहुंच ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत मेन मेरे को लग रही है, अभी भी मैंने कल भी मैंने प्रेशर चेक करवाया था रास्ते में परसों, तो मेरा प्रेशर यार आगे वाले टायर में 10 था, और आज भी चेक किया, ये भी फिर से 10 के नीचे आ गया। अब डाउट हो रहा है कुछ पंचर तो नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार चेक करवा, क्योंकि लेह में तो मैं इसको इस प्रेशर के साथ ट्रेवल कर ही नहीं सकता, तो वहाँ तो मेरे को चेक करवाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर चलाते हैं, फिर कहीं आगे देखते हैं कुछ मिला तो, नहीं तो फिर पंचर तो चेक करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों होंगे आपको वैली से बाहर। अब सोनमर्ग तक का प्लेन रास्ता है, उसके बाद हम देखते हैं। सीआरपीएफ का चेक पॉइंट आ गया, और हम यहाँ से निकल जाएंगे सीधा सोनमर्ग। यहाँ से लिखा हुआ सोनमर्ग कितना है, सोनमर्ग यहाँ से है 66 किलोमीटर। मैं ये पता नहीं कौन सा एरिया है, बहुत आर्मी लगी हुई है ये। यार ये पता नहीं एकदम बीच बीच में छोटे छोटे गांव कस्बे से आ रहे हैं, कौन सी जगह है मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। और हर जगह पुलिस और आर्मी यहाँ पे खड़ी है, सारी गाड़ियाँ लाइन से चल रही हैं क्योंकि सिंगल लेन है, तो ओवरटेकिंग का चांस मिलता नहीं, क्योंकि सारे टूरिस्ट इसी समय सब निकल रहे हैं, तो सारी गाड़ियाँ आगे पीछे हैं। ये नज़ारे देखो यार, नदी पुल बहुत ही अच्छा है, जिसकी सिक्योरिटी फौजी कर ही रहे हैं। घर कितने प्यारे लग रहे हैं यार, ये ग्रीनरी देखते ही बन रही है। ऐसी ग्रीनरी में कुछ दिन रह लो तो आंखों की रोशनी ऑटोमेटिकली तेज हो जाएंगी। ले है 400 किलोमीटर, कारगिल 174, द्रास 117। दुरशुमा मेन मार्केट, दुरशुमा। यार नाम मैं अच्छे से ले नहीं पा रहा हूँ, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं शायद यही है दुरशुमा, है मेरे को तो यही पढ़ने में आया। जगह पता नहीं कौन कौन सी आ रही है,
कोई बोर्ड पे रोक के पढ़ सकता है तो भाई पढ़ के कमेंट कर देना मुझे, तो छोटे छोटे टाउन टाइप के मतलब कस्बे टाइप के आ रहे हैं। बाकी एक बात है भाई, नज़ारे एक नंबर के हैं। ये देखो पहाड़ के ऊपर क्लाउड्स देखो आप, ओए होए आज मौसम साफ है यार। और इस मौसम साफ में देखते हैं आज एक्चुअली क्या है ना, फ्राइडे है और फ्राइडे को हमने पढ़ा था और बहुत सारे उसमें लिखा भी हुआ है ब्लॉग्स में कि जोजिला पास मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है फ्राइडे को, पर उसमें ये भी लिखा हुआ था कि अगर हम थोड़े रिक्वेस्ट करें तो बाइक वालों को जाने दे भी देते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें जाने दे दिया तो हम आज ही क्रॉस कर लेंगे, तो हम अपने लिए बहुत ही सही होगा। क्योंकि यार अगर जिस दिन गाड़ी हैवी व्हीकल चलते हैं ना, उस दिन उस रोड पे बहुत ही रश रहता है और हमें एक के पीछे एक ही चलना पड़ता है, क्योंकि उसमें ओवरटेकिंग का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो आज रश अगर जाने दे दिए तो रश नहीं मिलेगा और हमारे यहाँ बेनिफिट हो जाएगा, और नहीं तो फिर हम सोनमर्ग रुकेंगे। सोनमर्ग में फिर कल सुबह सुबह निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, क्योंकि 7 बजे वो रास्ता खोलते हैं एक साइड का, तो 7 बजे यहाँ से खोलते हैं और उधर से आने वालों के लिए जो श्रीनगर साइड आ रहे हैं द्रास से, उनके लिए 11 बजे वहाँ से खोलते हैं। तो देखते हैं, ये देखो यार साथ साथ नदी पहाड़, वो आगे देखो बर्फ दिख रही है पहाड़ों में, बहुत ही सुंदर सुंदर अद्भुत नज़ारे हैं। सो यार क्या बताऊँ, बस मतलब मज़ा आ गया। ठंड लग रही है हल्की हल्की, ओ माई गॉड व्हाट अ लवली पुल, व्हाट अ लवली व्यू, यहाँ फोटो कितनी अच्छी आएगी। पर हमें टारगेट अभी आगे का करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे फ़ोटो लेने के लिए रुकने लग गए जगह जगह पे तो भाई साहब हम तो रुकते ही रह जाएंगे, क्योंकि सारी ही जगह इतनी खूबसूरत है। एक तो आप देखो घास आ चुकी है यहाँ पे, बारिश हो रही है, 3-4 कई दिनों से बारिश हो रही है, पिछले महीने भी हुई थी, तो वेदर इस समय एकदम हरियाली भरा है, फुल ऑन ग्रीनरी है। यहाँ से सोनमर्ग रह गया 34, वाओ सो लवली, जन्नत कहाँ जन्नत यहाँ। यार मतलब जो बोलते थे धरती पे स्वर्ग, तो इधर का तो स्वर्ग यही है। मतलब खूबसूरती देखते ही बनती है, कैमरे में पता नहीं कितना अच्छा आ रहा होगा, पर जो अपनी आंखों से देखने का मजा है ना, जो उसको लाइव जीना एक्सपीरियंस करना है वो अलग ही होता है, जो मैं अभी कर पा रहा हूँ। मैं बहुत जगह देखता था वीडियो व्लॉग्स में, लेकिन जब हम खुद ऐसी जगह पे जाते हैं रुकते हैं, पर एक चीज़ तो मैंने देखी, मैं यूज़ कर रहा हूँ DJI Osmo, पर इसका वॉइस असिस्टेंस जो है ना, वॉइस कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है जो मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैंने अंदर माइक लगा रखा है लेकिन बहुत बार बोलना पड़ता है स्टॉप एंड स्टार्ट के लिए। अब हम खींच के लेते हैं बाइक को, ये देखिए आगे चल रहा है फौजियों का बुलेट प्रूफ 4x4। ये कौन सा बल्टाल आ गया, कुछ कौन सा आ गया, बल्टाल ही है विलेज, गुंड मेन मार्केट पर।
ये देखो यार कितना अच्छा व्यू लग रहा है, नदी, पहाड़, वैली, ग्रीनरी, गाय, बच्चे स्कूल जाते हुए। पता नहीं यार, टीवी में तो ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि श्रीनगर में पता नहीं क्या है, इधर एकदम ही फौजी हैं। देखो सिक्योरिटी होगी, ये हाईवे एकदम ले मेन हाईवे हो जाता है, तो इस हाईवे की सिक्योरिटी करनी ही पड़ती है। बट इस जगह पे इतना है नहीं, मतलब वैसे मिलिटेंसी, मैंने हमने अभी पुलिस वाला था उससे बात भी की, कहने लगा यहाँ तो जीरो मिलिटेंसी एकदम है ही नहीं, पब्लिक भी, यहाँ के लोग भी बड़े कोऑपरेटिव हैं। मैं आ गई, कितनी सारी मैं, देखो। और यहाँ पे पानी, एक साइड में पहाड़, तो बहुत ही बढ़िया। ट्रकों ने तो भाई धूल उठा रखी है एकदम, बहुत धूल उठाते हैं लोग। तो यार अभी एक बेंगलोर से एक और बंदा है, अपनी होंडा की बाइक लेके आया हुआ है, जो कि एक आर्किटेक्ट है। तो वो सोलो कर रहे थे, उनका भी टारगेट आज कारगिल ही है पहुंचना। तो मैंने उनसे बोला कि हमारी कंपनी ज्वाइन कीजिए, साथ में चलेंगे आगे पीछे। वो कहते हैं ना, तीन चार बाइक और बातें करने वाले मिल जाते हैं तो सफ़र अच्छे से कट जाता है। बीच बीच में रुक के एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है, हौसला बढ़ जाता है, थोड़ी एक मॉरल सपोर्ट रहता है एक तरीके का। बर्फ के पहाड़ बहुत क्लोज आ रहे हैं, व्यू बहुत ही अच्छा है, मेस्मराइजिंग, पैराडाइज, हेवन ऑन अर्थ, और क्या क्या बोलूं, जो बोल रहा हूँ वही कहूँ।